हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 198 के अंदर ऑर्डर 1 को, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंदर आज हम लोग आदेश 1 को समझेंगे। ये ऑर्डर 1 जो है डील करता है पार्टीज टू सूट्स के ऊपर। ये ऑर्डर 1 जो है कई पॉइंट्स के ऊपर डील करता है, कई ऐसे पॉइंट्स के ऊपर डील करता है जिनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के उन पर बात की जा सकती है, तो इसलिए हम इनको अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। इनके जो मेन मेन पॉइंट हैं वो हम एक एक वीडियो में कवर करते रहेंगे, ये आपके भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत से पॉइंट के ऊपर डील करता है ऑर्डर 1। अब समझिएगा ये किन किन पॉइंट्स के ऊपर डील करता है। जैसे सबसे पहले ये डील करता है ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के ऊपर, यानी किसी भी मुकदमे के अंदर कौन कौन पक्षकार होंगे, कौन कौन पार्टीज होंगी, कौन दो पार्टी साथ में मिल के मुकदमा कर सकती है, और कहाँ पे किन दो प्रतिवादी को साथ में मिला के उनके अगेंस्ट मुकदमा किया जा सकता है। ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के ऊपर भी ये डील करता है। ये रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर भी डील करता है कि कहीं पे बहुत सारे लोग जो हैं उनको कोई एक आदमी रिप्रेजेंट करे, एक अपने बिहाफ पे और लोगों के बिहाफ पे मुकदमा करे, ये उसके ऊपर भी डील करता है। ये ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, प्रॉपर पार्टीज, नेसेसरी पार्टीज, इनके ऊपर भी डील करता है। ये इसके ऊपर भी डील करता है कि कब कोर्ट जो है किस पार्टी का नाम जो है कि वो सूट के अंदर पार्टी बना हुआ उसका नाम हटा दे या उसको सब्स्टिट्यूट कर दे या उसके अंदर एडिशन कर दे या उसको स्ट्राइक ऑफ कर दे। तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर डील करता है, तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे जिससे ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नजीब खान 11, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर आप मुझे कॉल करके बात करना चाहते हैं डायरेक्टली मेरे फ़ोन पे, तो आप मुझे डायरेक्टली कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल मी फोर ऐप के थ्रू। कॉल मी फोर ऐप पे मेरी आईडी है नजीब खान @CM4। किसी भी तरीके की मेरी लेक्चर से जुड़ी आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं या आप जो है जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे पढ़ना है उसकी स्ट्रेटेजी के लिए, उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अब हम लोग ऑर्डर 1 को, इसको हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। हम लोग समझते हैं कि प्रैक्टिकली जो है कब ऑर्डर 1 आदेश 1 पिक्चर में आता है, प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल कब होता है, हम लोग इस तरीके से समझेंगे तो ये हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, बहुत बार ऐसा मामला हो जाता है कि वहाँ पे हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग वहाँ पे एक अकेले सिंगल आदमी बन के मुकदमा करें या दो लोग मिलके मुकदमा करें, और सामने वाले को अगेंस्ट एक आदमी के अगेंस्ट मुकदमा करें या दोनों को मिला के मुकदमा करें। तो उस तरह के केसेस में ऑर्डर 1 के रूल 1, ऑर्डर 1 का रूल 1, रूल 2, रूल 3, 3A जो है इस चीज़ का जवाब देता है। जैसे बहुत सारे इस तरह के केसेस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे आप और आपका एक दोस्त कॉलेज में, आप दोनों ने बैठ के कुछ गलत काम कर दिया, कुछ ऐसी बदतमीजी कर दिया या कुछ ऐसी गलत हरकत कर दिया जिसके वजह से कॉलेज की अथॉरिटी ने आप दोनों लोग को सस्पेंड कर दिया। अब जब आप दोनों लोगों को सस्पेंड कर दिया तो यहाँ पे आप दोनों जो है कॉलेज की अथॉरिटी के अगेंस्ट मुकदमा करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे आप मुकदमा करेंगे? आप अलग मुकदमा करेंगे कॉलेज की अथॉरिटी के अगेंस्ट और आपका दोस्त अलग मुकदमा करेगा, क्या ऐसा होगा? या आप दोनों साथ में मिलकर कर सकते हैं। तो इसका रूल 1 जो बताता है वो बताता है कि कब प्लेंटिव जो है एक साथ संयुक्त रूप से किसी के अगेंस्ट मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन ये किस केस में करेंगे? ये उसी केस में कर सकते हैं जिस केस में किसी सेम एक्ट सेम ट्रांसैक्शन से मामला जुड़ा हो। जैसे अभी हमने आपको बताया कि आपका दोस्त और आपने साथ में कोई गलत हरकत कर दी, कोई बदतमीजी कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया जिससे कॉलेज की जो अथॉरिटी थी उनको बुरा लग गया, साथ में मिलकर आप लोगों ने किया है। तो इसकी पहली कंडीशन है जो सेम एक्ट सेम ट्रांसैक्शन में हुई हो। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि अगर वो दोनों अलग अलग मुकदमा करेंगे, यानी आप और आपका दोस्त अगर अलग अलग मुकदमा करेंगे कॉलेज की अथॉरिटी के अगेंस्ट, तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो अराइज हो जाएगा। तथ्यों को लेके सामान्य कोई सवाल या विधि को लेके कोई सामान्य सवाल, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अगर आपके दोस्त ने कोई मुकदमा किया, अब वो भी वही कानून का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी उन्हीं फैक्ट का प्रूफ लाके दे रहा है जिसका आप दे रहे हैं, तो दोनों के ही मामले में सेम फैक्ट का सवाल उठ रहा है, सेम फैक्ट सेम लॉ उन्हीं के सवाल उठ रहा है। तो यहाँ पे आप दोनों संयुक्त रूप से मिलके अपने कॉलेज की अथॉरिटी के अगेंस्ट मुकदमा कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ के ऊपर ऑर्डर 1 जो है डील करता है, जो इसके रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 3 ये बताते हैं। तो अब इस तरीके के बहुत से केसेस हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक केस ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आप और आपके दोस्त के साथ बैठ के एक संविदा रचा, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप दोनों लोग मेरा एक काम करिए। सपोज डैट मैंने आप दोनों के साथ बैठ के एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप और आपका दोस्त मेरा एक काम करिए। अगर आप दोनों लोगों ने मेरा एक काम कर दिया तो मैं आप दोनों लोगों को इतना पैसा दूंगा,
वो आप लोग आपस में बांटिए ना बांटिए, कितना शेयर करते हैं कितना नहीं शेयर करते हैं आपके ऊपर है। आप दोनों लोगों को एक काम हमने सौंपा था कि आप दोनों को ये मेरा काम करना है, अगर आपने कर दिया तो मैं इतना पैसा दूंगा। अब आप लोगों ने काम कर दिया, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस संविदा को भंग कर दिया, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, पैसा आपको नहीं दिया। तो अब यहाँ पे आप अपने दिमाग से सोचिए कि क्या यहाँ पे जो मामला निकल के आ रहा है वो एक ही कार्य, एक ही ट्रांसैक्शन से निकल के आ रहा है कि अलग अलग एक्ट और ट्रांसैक्शन से निकल के आ रहा है। तो आप अगर ज़रा से भी इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक ही एक्ट, एक ही कार्य और एक ही ट्रांसैक्शन से निकल के आ रहा है। भाई हमने आप दोनों ही से तो कहा ना किसी एक कार्य को करने के लिए कि आप लोग मेरे इस काम को करिए तो हम आप दोनों को इतना पैसा देंगे, आप लोग साथ में मिलकर कर रहे थे, तो एक ही एक्ट, एक ही ट्रांसैक्शन से ही तो निकल के आ रहा है। पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अब अगर आप दोनों अलग अलग मेरे अगेंस्ट मुकदमा करेंगे तो आप लोग सेम ही प्रूफ देंगे फैक्ट का कि हाँ इन्होंने इतने तारीख को वादा किया था, उसके बाद इन्होंने कहा कि काम करना, फिर उसके बाद हम पैसा दे देंगे। आप भी वही बात बोलेंगे, वो भी वही बात बोलेगा, तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज हो जाएगा। तो आप दोनों यहाँ पे संयुक्त रूप से यानी एक साथ मिल के मेरे अगेंस्ट मुकदमा कर सकते हैं। अब इसके और भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त रोड के ऊपर गाड़ी चला के रेस ले रहे थे एक दूसरे से, आप साइड में खड़े हुए थे, अब कुछ ऐसी गलती हुई हम दोनों की कि आप जो है आपको उससे चोट लग गई, अब आपको उसके चोट लग गई, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गलती मेरी है कि मेरे दोस्त की है, हम लोग गाड़ी चला के रेस ले रहे थे। तो अब यहाँ पे जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसी गलती है, तो आप हम दोनों लोगों को शामिल करके संयुक्त रूप से प्रतिवादियों को शामिल करने के बाद उन दोनों के अगेंस्ट मुकदमा कर सकते हैं, यानी मेरे और मेरे दोस्त के अगेंस्ट मुकदमा कर सकते हैं। अब एक कंडीशन, एक चीज़ और, इससे इलस्ट्रेशन से जो है आपके दिमाग में चीज़ें जो है बहुत क्लियर होने लगेंगे। जैसे एक इलस्ट्रेशन और हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पब्लिशर है, बुक को पब्लिश करता है, एग्ज़ाम के टाइम पे जब एग्ज़ाम करीब आता है तो बुक को पब्लिश कर देता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल UPPCSJ के लिए ऐसे कोई पब्लिशिंग कर देता है कि बुक के लिए लॉन्च कर देता है और उसके अंदर छाप देता है कि ये बुक जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के तरफ से पब्लिश करी गई है ये बुक, फर्जी लिख देता है, कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर कि ये बुक जो है PCSJ की प्रिपरेशन के लिए इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी दोनों की तरफ से लॉन्च की गई है। अब बुक पब्लिश हो जाती है, अब जब पता चलता है दोनों इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी को, तो अब यहाँ पे जो मामला निकल के आ रहा है एक ही फैक्ट, एक ही ट्रांसैक्शन, आप देखिए एक ही ट्रांसैक्शन है कि कोई पब्लिशर है वो बुक पब्लिश कर रहा है और उसके अंदर छाप रहा है कि इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ये पब्लिश की गई है, और ये बिल्कुल गलत बात वो बोल रहा है, बिल्कुल फर्जी बात बोल रहा है। तो यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है संयुक्त रूप से मिल के उस पब्लिशर के अगेंस्ट मुकदमा कर सकती है। अब और इलस्ट्रेशन को हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज दैट कि मैं आता हूँ, आप लोग जो है आप और आपके दोस्त को, दोस्त से बहुत बदतमीजी करने लगता हूँ, बहुत बदतमीजी से बात करने लगता हूँ, हो सकता है गालियाँ देने लगता हूँ आप और आपके दोस्तों को। अब यहाँ पे मैं आप दोनों लोगों को गालियाँ दे रहा हूँ किसी एक मामले को लेके, तो यहाँ पे भी आप और आपके दोस्त संयुक्त रूप से मिलके मेरे अगेंस्ट मुकदमा कर सकते हैं। इसी के ऊपर ये हो जाएगा जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, यहाँ पे आप और आपका दोस्त मिलके मेरे अगेंस्ट मुकदमा कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि मैं और मेरा दोस्त आपके पास आते हैं, आपसे खूब बदतमीजी से बात करते हैं, खूब गालियाँ देते हैं, तो अब यहाँ पे भी आप जो है मैं, मुझे और मेरे दोस्त को एक जगह मिला के हम दोनों के अगेंस्ट मुकदमा कर सकते हैं। तो ऑर्डर वन के जो रूल वन, रूल टू, रूल थ्री, थ्री ए, ये इसी चीज़ के ऊपर डील करता है कि कौन कौन किसी मुकदमे के अंदर पक्षकार होंगे, पार्टी कौन कौन होंगी, आप कैसे किसको किसको पार्टी बनाएंगे। भाई इस तरह की कंडीशन उठ के आ गई ना, जैसे हमने बताया कि आपके दोस्त के साथ, आप और आपके दोस्त के साथ कोई मामला हुआ कि आप दोनों शामिल हो सकते हैं, या मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर कोई मामला कर दिया कि हम दोनों शामिल हो सकते हैं, तो इस तरह के सवाल तो उठ रहे हैं ना। तो इसी चीज़ का जवाब देता है ऑर्डर वन, रूल वन, रूल टू, रूल थ्री, रूल थ्री है। अब हम लोग इसके अंदर बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं कि क्या कह रहा है। ऑर्डर वन का रूल वन कह रहा है हु मे बी ज्वाइंट एज प्लेंटिफ्स, कौन वादी को ज्वाइन कर सकता है, कौन कौन लोग वादी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कह रहा है ऑल पर्संस, सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मे बी ज्वाइंट इन वन सूट एज प्लेंटिफ्स, वेयर, कहाँ पे, वेयर एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांसैक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट्स और ट्रांसैक्शन इज एलेज टू एग्जिस्ट इन सच पर्सन विदर ज्वाइंटली, सेवरली और इन द ऑल्टरनेटिव, and if such person brought separate suits any common question of law or fact would arise। वही जो दो शर्तें हमने आपको बताई कि जो मामला हुआ है वो किसी सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है और उसके अंदर अगर पक्षकार जो है अलग अलग मुकदमा करेंगे तो उसमें कॉमन
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ अराइज हो जाएगा। तो उन केस में दो लोग एज अ प्लेंटिफ ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद रूल टू इसका कह रहा है, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर सेम एक्ट और ट्रांसैक्शन हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा जो सेम एक्ट और ट्रांसैक्शन से हटा हुआ होगा और आप फंस जाएंगे और गलत लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे हमने अभी एक उदाहरण दिया था कि मैंने आपसे और आपके दोस्त के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप लोग मेरा एक काम करिए, अगर आप लोगों ने कर दिया तो मैं इतना पैसा दे दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे अलग बात करी और आपके दोस्त से अलग बात करी कि तुम मेरा ये काम कर दो मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा, आपके दोस्त से अलग बात किया कि तुम मेरा ये काम कर देना मैं तुमको अलग पैसा दूंगा, तो यहाँ पे हमारा आपके साथ और आपके दोस्त के साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप लोग बाद में जाके मिल के साथ में करते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हमने यहाँ पे आप दोनों से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूंगा तो अब यहाँ पे आप दोनों साथ में एज ए प्लेंटिव ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम एक्ट और ट्रांसैक्शन से मामला अराइज नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका इलस्ट्रेशन के अंदर दिया गया है कि जैसे मैं आपके साथ और आपके दोस्त के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ अलग अलग, कि मैं आपको कोई 100 मोबाइल फ़ोन भेजूंगा कि आप उसको बेचिएगा, 100 मोबाइल फ़ोन आपके पास भेजूंगा, आपसे भी कॉन्ट्रैक्ट किया आपके दोस्त से भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको सेम ही डेट पे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, आपसे भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 100 मोबाइल फ़ोन भेजूंगा और आपके दोस्त से भी ये वादा कर दिया कि 100 मोबाइल फ़ोन तुम्हें भेजूंगा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किए दोनों से। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूँ तो आप लोग एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम एक्ट और सेम ट्रांसैक्शन से ये मामला अलग है। जैसे इसके अंदर इलस्ट्रेशन दिया उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए एग्रीज टू सेल एंड डिलीवर 100 tins ऑफ ऑयल टू बी एट अ पार्टिकुलर रेट ऑन 1st January 1991। ही ऑल्सो एग्रीज टू सेल एंड डिलीवर अ लाइक क्वान्टिटी ऑफ ऑयल ऑन द सेम डे एट द सेम प्राइज, उसी सेम डे उसी सेम प्राइज पे सी को। बी एंड सी कैन नॉट ज्वाइन एज प्लेंटिव्स इन वन सूट अगेंस्ट ए एज द ट्रांसैक्शन आर डिफरेंट। वही चीज़ जो हमने बताया। तो अब इसके अंदर हम लोगों ने रूल वन को देख लिया, अब रूल के वन के बाद आता है रूल टू। रूल टू क्या कहता है, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। ये बताता है कि कोर्ट के पास पावर होगा किस चीज़ का, वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स मे एम्बैरेस और डिले द ट्रायल ऑफ द सूट। जहाँ पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि जहाँ पे संयुक्त रूप से जो वादी है वो मुकदमा कर रहे हैं उसके वजह से जो वाद का विचारण होना है उसमें डिले हो सकता है या कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। द कोर्ट में पुट द प्लेंटिव्स टू देयर इलेक्शन, तो प्लेंटिव को इस चीज़ के लिए कोर्ट पुट कर सकता है इलेक्शन के लिए कि तुम चूज करो इसमें कि अकेले करना चाहोगे कि संयुक्त रूप से करना चाहोगे, या कोर्ट ये भी कर सकता है कि सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर कर सकता है और मेक सच अदर ऑर्डर एस मे बी एक्सपीडियंट और जो कोर्ट को जो बेहतर लगे। उसके बाद आता है रूल थ्री, हु मे बी ज्वाइंट एज डिफेंडेंट्स। सेम वही कंडीशन जो प्लेंटिव्स के लिए कि हु मे बी ज्वाइंट एज प्लेंटिव कि कौन कौन वादी बन सकता है, एकदम वही शर्तें हैं प्रतिवादी के लिए। तो इसके अंदर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी आपको उदाहरण दे चुके हैं कि मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त जो है आता हूँ आपके पास, आके आपके घर पे बदतमीजी करता हूँ, आपसे गालियाँ दे देने लगता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप हम दोनों के अगेंस्ट जो है मुकदमा दायर कर सकते हैं एज अ संयुक्त रूप से, क्योंकि यहाँ पे जो मामला निकल के आ रहा है मुकदमा दायर करने के लिए वो एक ही एक्ट और एक ही ट्रांसैक्शन से निकल के आ रहा है कि हम दोनों आपके घर गए और घर पे जाके बदतमीजी करी और गालियाँ दिया। तो वही सेम शर्त इसके ऊपर भी लागू होगी कि कौन कौन प्रतिवादी संयुक्त रूप से बन सकते हैं जिनके अगेंस्ट आप मुकदमा कर सकते हैं। इसका थ्री ए कह रहा है, वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट डेट एनी ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स में एम्बेरस। सेम थ्री ए जो है टू की तरह है, सिर्फ एक फर्क है। रूल टू के अंदर ये कह रहा है कि कोर्ट जो है प्लेंटिव के पास ये ऑप्शन रखेगा कि अकेले करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो या संयुक्त रूप से करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे जो है ये बात नहीं कहा जा रहा है। वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट, जहाँ कोर्ट को ये अपीयर होता है डेट एनी ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स मे एम्बेरेज और डीले द ट्रायल ऑफ द सूट, द कोर्ट मे ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच अदर ऑर्डर एस मे बी एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अब इसका रूल फोर कह रहा है, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ ज्वाइंट पार्टीज। अब रूल फोर कह रहा है कि मान लीजिए जहाँ पे एक से ज़्यादा वादी जो है संयुक्त रूप से मुकदमा कर रहे हैं या मान लीजिए एक से ज़्यादा प्रतिवादी हैं, तो कोर्ट बाउंड नहीं है कि एक बार की सबके अगेंस्ट जो है जजमेंट दे दे। ये भी हो सकता है कि कोर्ट उसमें से किसी एक के फेवर में जजमेंट दे, या ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा अगर प्रतिवादी हैं उनमें से किसी एक के अगेंस्ट जो है जजमेंट दे दे।
तो ये हम लोगों का जॉइंडर ऑफ पार्टीज जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो है एक दो रूल हैं इसके, उसके बाद आता है इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव सूट, जिसको भी हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा रूल है जिससे अलग से क्वेश्चन बनता है, जिससे एग्जाम में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। मतलब ऑर्डर वन के अंदर जॉइंडर ऑफ पार्टीज तो अलग पूछा जाता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर अलग क्वेश्चन बनता है जो इसके ऑर्डर वन रूल एट पे डिस्कस करता है। तो उसको हम लोग दूसरी वीडियो के थ्रू कवर कर लेंगे। द प्लेंटिफ मे एट हिज ऑप्शन ज्वाइन एज पार्टीज टू द सेम सूट ऑल और एनी ऑफ द पर्सन सेवरली और ज्वाइंटली। तो रूल सिक्स तो वही उसकी ऊपर बात जो कर रहा है। व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम होम रीडर्स इज टू बी ब्रॉट। अभी हमने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि प्लेंटिफ, जैसे अगर आप मान लीजिए रोड पे खड़े हुए हैं, मेरे और मेरे दोस्त की गलती के वजह से आपको चोट लग जाती है, तो वहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि गलती किसकी है, मेरी गलती है मेरे दोस्त की गलती है, तो आप हम दोनों को डिफेंडेंट बना के हम दोनों के अगेंस्ट मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का ऑर्डर वन रूल वन, रूल टू, रूल थ्री, थ्री ए, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन जो है कम्प्लीट हो गया है।